जस्ट इमेजिन आप सो रहे हैं और आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है, आप जाग तो गए हो, आपकी आईज तो ओपन है बट आप अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहे हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आंख खुली है, दिमाग काम कर रहा है बट आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आपकी एक उंगली तक नहीं हिल रही और आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई है, कोई आपको टच कर रहा है। डरिए मत, मैं आपको कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुना रही, ये एक रियलिटी है और ये कोई भूतिया स्टोरी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो कि बहुत लोगों के साथ होती है। इसे बोला जाता है स्लीप पैरालिसिस। आज मैं आपको बताऊंगी इसकी फुल डिटेल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज वेल एज एक रियलिटी, रियल प्रॉब्लम है जो किसी के साथ भी हो सकती है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि हमारी पॉपुलेशन के लगभग 40% लोगों को लाइफ में एक बार स्लीप पैरालिसिस हुआ है, और दूसरी रिसर्च में ये पाया गया है कि 8% ऐसे लोग हैं जिनको ये डेली भी होता है, लेकिन ये लोग बहुत कम हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाती, बट अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है और कभी ये आपके साथ हो गया तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना हो सकता है। इसीलिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सो दैट इन फ्यूचर आप कभी भी इसको लेके ना डरें। तो स्लीप पैरालिसिस होता ये है, बट होता क्यों है आइए अब ये जानते हैं। वैसे तो इसकी रिसर्च कई सालों से की जा रही है, पास्ट में जो लोग थे उन्होंने भी बहुत रिसर्च की, अपने अपने एक्सप्लेनेशन दी, लाइक कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई मिस्ट्री है वगैरह वगैरह, बट अब ये मिस्ट्री सुलझ चुकी है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, इसका साइंटिफिक रीजन है जो कि पता किया जा चुका है। एक्चुअल में इस सिचुएशन में आपको लगता है जैसे आप आधी रात को नींद से जागते हो, आप हिल नहीं पाते हो और ऐसा लगता है कि जैसे आपको पैरालिसिस हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता तब है जब हमारा ब्रेन बॉडी के साथ बैलेंस में नहीं होता जब हम सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी नींद प्रॉपर होती है तो हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम के पास मैसेज भेजता है कि तुम्हारी मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम आ गया है। बट अगर हम टेंशन में सोते हैं कभी किसी दिन, तो सोने के कुछ देर बाद हमारा ब्रेन जाग जाता है और आधी रात को हमारी आंख खुल जाती है। अब ब्रेन तो जाग गया बट उस टाइम पर हमारी बॉडी नहीं जाग पाती और इन दोनों में बैलेंस नहीं होता। अब ब्रेन जाग चुका है, बॉडी नहीं जागी, हमें एकदम से स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। जैसे ही आंख खुलती है हम देख तो सब कुछ सकते हैं बट ना तो कुछ बोल पाते हैं ना हिल पाते हैं, क्योंकि हमारी मसल को ब्रेन से सिग्नल नहीं मिलता कि हम रिलैक्स हो पाए। इसीलिए हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती। तो ये जो स्लीप पैरालिसिस है ये दो टाइप का हो सकता है। एक होता है आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस। इसमें क्या होता है कि ये लाइफ में एक ही बार होता है, कभी भी हो सकता है, और ये सिर्फ एक या दो मिनट के लिए ही रहता है, उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। दूसरा होता है रिकरेंट आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस। इस बीमारी में लोगों को पूरी लाइफ डेली रात को स्लीप पैरालिसिस होता है, और वो भी एक या दो मिनट के लिए नहीं, पूरे एक घंटे के लिए। तो इस बीमारी में डरावना क्या है, ऐसा क्या होता है, तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर वन, इस बीमारी में जब ये बीमारी आपको होती है, मींस रात को जब आप जागते हैं, आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता। नंबर टू, फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे आप मर चुके हो, ऑलमोस्ट डाई। इस सिचुएशन में आप वेट करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ देर में अपने आप ही ठीक हो जाता है। नंबर थ्री, ऐसा फील होता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे। पुराने टाइम में लोगों ने जब इस बात पर रिसर्च की कि इस केस में हम सांस क्यों नहीं ले पाते, तो उन्होंने बड़ी मजेदार चीज बताई। उन्होंने ये बताया कि सांस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स इंसान की चेस्ट पर बैठ जाती हैं और सांस नहीं ली जाती और स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। बट
डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा सिर्फ माना जाता था। इसकी असली रीजन बिल्कुल साइंटिफिक है और वो ये है कि जब हम गलत टाइम पे जाग जाते हैं, मीन्स हमारी एकदम से जब नींद खुल जाती है, तो हमारा स्लीपिंग पीरियड अब तक खत्म नहीं हुआ, हम गलत टाइम पे जागे हैं, तो हमारी मसल्स तब तक सो रही होती है। हमारा ब्रेन जागता है बट हमारी मसल्स सो रही होती हैं, और जिसमें कि चेस्ट मसल्स भी आती हैं। तो ऐसा फील होता है जैसे कोई हैवी सी चीज हमारी चेस्ट पर बैठी है और इसीलिए हम सांस नहीं ले पाते। नंबर 4, आप कुछ बोल नहीं पाते। जैसे ही आपको फील होता है कि बॉडी हिल नहीं रही, आप बोल भी नहीं पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मसल हमारे माउथ को कंट्रोल करती हैं, वो भी काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए आपके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। नंबर 5, ये सबसे स्केरी पॉइंट है, ये है हलुसिनेशंस। मीन्स आपको आवाजें सुनाई देने लगती है, कुछ डरावना दिखाई देने लगता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई टच कर रहा है और आप अपनी गर्दन भी नहीं हिला सकते उसको देखने के लिए, क्योंकि आप हिल नहीं सकते। अब जानते हैं कि किन लोगों को स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। नंबर 1, जो लोग नींद प्रॉपर नहीं लेते। नंबर 2, जो फैटी या मीठे वाली चीज खाकर सोते हैं। नंबर 3, जो ड्रग्स लेते हैं। नंबर 4, जिनको डिप्रेशन रहता है। तो ये है स्लीप पैरालिसिस। अगर आपको कभी ये हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है कि कोई भूत आ गया या आपको कोई टच कर रहा है, क्योंकि अब आपको इसकी नॉलेज हो चुकी है। ये कम्प्लीटली साइंटिफिक है। ऐसा लगता है कि भूत ने पकड़ लिया बट ऐसा होता नहीं है। सो डोंट वरी, टाइम से सोएं, टेंशन से दूर रहें। होप योर नॉलेज आपको यूजफुल लगी। इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर दिस नॉलेज टू ऑल योर कॉन्टेक्ट्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टैप करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ऐसी ही और नॉलेज परवीक चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक।